दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गाशंकर शुक्ला मेक हेल्थ इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेज न्यू पेंशन स्कीम क्या है। बुढ़ापे ना कोई पार्टी होगी, ना कोई नेता, ना कोई जात बिरादरी काम आएगी। उस समय मित्रों सिर्फ पुरानी पेंशन ही काम आएगी। दोस्तों पुरानी पेंशन जो होती है रिटायरमेंट के बाद बूढ़े लोगों का एक सहारा होता है, उनके परिवार का सहारा होता है, जिससे वो लोग अपने घर का पालन पोषण करते हैं और घर की उनकी रोटी रोटी चलती है। हमारे देश में 40 लाख केंद्र कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें 11.5 लाख पेंशन भोगी कर्मचारी हैं। सोचो 11.5 लाख कर्मचारी जो पेंशन पा रहे हैं, बाकी जो कर्मचारी नौकरी पा रहे हैं उनको अगर पेंशन नहीं, उनके परिवारों का क्या हाल होगा। इसमें जो सांसद विधायक मंत्री ये सब लोग बंतर बांट करके ही अपनी पेंशन ले रहे हैं। इसके पहले जो भी सांसद विधायक हुआ करते थे वो जितनी बार सांसद विधायक होते थे उतनी बार पेंशन लिया करते थे। 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसके बाद 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। फिर श्री मनमोहन जी की गवर्नमेंट आई। मनमोहन जी ने इसको लागू करने का काम किया, पुरानी पेंशन को हर राज्यों में बंद करके नई पेंशन को लागू कर दिया, धरातल पर लाने का काम मनमोहन सरकार कर रहा। अब कांग्रेस दोहरी राजनीति करके जब चुनाव हार गई है तब वो पुरानी पेंशन को जिन राज्यों में उनकी सरकारें वहां लागू कर रही हैं। पुरानी पेंशन कोई राजनीति का विषय नहीं है जो हर पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं। हम अपने देश की बीजेपी गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि बुढ़ापे की लाठी को मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि देश के हर कोने में मैक्सिमम बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी से आग्रह करेंगे कि पुराने पेंशन को बहाल करें, जिससे हमारे देश की जनता के चेहरे पर खुशहाली आए। जब ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से अच्छी है, उससे परिवार की सुरक्षा बढ़ रही है, तो देश की सरकारें देश की सुरक्षा के लिए हैं। तो इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को देश की सुरक्षा के लिए फिर से बहाल किया जाए। आइए जानते हैं दोनों पेंशन स्कीमों में क्या अंतर है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए आज पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सबसे बड़ी रैली है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी के जुटने की संभावना है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में यह रैली हो रही है। हर राज्य से शिक्षक कर्मचारियों के जुटने का दावा है। चुनावों में पेंशन को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारियों के साथ होने का दावा कर रही है। दोस्तों ये सब जरूरत क्यों पड़ रही है रैलियों की? सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने राज्य सरकार अपने राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दें और केंद्र सरकार लोगों को अपना नोटिफिकेशन निकाल के ओल्ड पेंशन को बहाल कर दें, उनको समस्या क्यों आ रही है आइए जानते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी से कटौती नहीं होती थी, न्यू पेंशन स्कीम सैलरी से 10% कटौती होती है, 14% सरकार देती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर आधी सैलरी मिलती थी, न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की रकम तय नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जीपीएफ की सुविधा थी, न्यू पेंशन स्कीम जीपीएफ की सुविधा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी खजाने से पेंशन मिलती थी, एनपीएस शेयर बाजार पर निर्भर करती, जो चीज़ शेयर बाजार पर मिलेगी निर्भर करती है, वो फ्यूचर में कितनी मिले क्या फ़ायदा। किसी बुढ़ापे को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ देना ये किसी सरकार का काम नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से राज्य जो ये मुद्दा बना के ओल्ड पेंशन को बहाल कर चुके हैं। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने मुद्दा बना के अपनी सरकार बनाई, ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बना के अपनी स्कीम बनाई। केंद्र सरकार क्योंकि एक होता है, अब जो क्या होता है न्यू पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारियों का 10% और 14% सरकार दे, पैसा PFRDA लेता है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो एक 2013 में कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत PFRDA ये पैसा शेयर मार्केट में लगाएगा और कानून के अनुसार कोई सरकार ये पैसा निकाल नहीं सकती है। अब देखते हैं किस गवर्नमेंट का कितना करोड़ रुपए केंद्र सरकार है। अगर इस 5 राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुके हैं तो जो पैसा PFRDA की उसको उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो 2013 कानून के अनुसार नहीं मिल सकता। चलिए, छत्तीसगढ़ का 17,240 करोड़, झारखंड का 8,107 करोड़, पंजाब का 18,000 करोड़, राजस्थान का 28,337 करोड़ और हिमाचल प्रदेश का 8,000 करोड़। ये पैसा PFRDA में ने शेयर मार्केट में लगा दिया है। अब ये लोग जब ओल्ड पेंशन को बहाल कर चुके हैं तो उनको ये पैसा रिटर्न चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार देने से कानून के अनुसार मना करती है। अगर 2013 का कानून जब संशोधित होगा तब ये पैसा उन्हें दिया जा सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम पर सबका राय क्या है? नीति आयोग कहता है करदाता पर बोझ पड़ेगा, वित्त आयोग कहता है अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है और केंद्र सरकार के लिए इन नीति आयोग और वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार बहाली पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं कितना बोझ बढ़ेगा। NPS लागू करने वाले राज्य का बजट क्या था? 2004-05 में हिमाचल प्रदेश सरकार का 591 करोड़ था और जो कि 2021-22 में 7,082 करोड़ हो गया। वहीं पंजाब सरकार का 1514 करोड़ 2004-05 में बजट था, वहीं 2021-22 में 11,167 करोड़ हो गया। राजस्थान में 1626 करोड़ था, 2021-22 में जाके 25,473 करोड़ हो गया। छत्तीसगढ़ में 534 करोड़ था और जो कि 2021-22 में जाके 6,609 करोड़ हो गया। अब किन विभागों को पुरानी पेंशन मिल रही है? सेना, वायुसेना, नौसेना, ये सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं। इनके साथ विधायक, मंत्री, इनको पुरानी पेंशन मिल रही है। बल्कि यही सेना में ही BSF, CRPF और असम राइफल्स, इन सबको पुरानी पेंशन नहीं मिलती, ये भी जवान है। मतलब हमारे देश में कुछ विभागों को पुरानी पेंशन मिलती है, कुछ विभागों को नहीं मिलती है। ये सौतेला व्यवहार क्यों? अगर पुरानी नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सब केंद्र सरकार को पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। अगर नहीं अच्छी है तो देश का विकास नहीं हो सकता है तो इसको बंद कर दिया जाए। तो जैसे देश में एक कानून होना चाहिए तो देश में एक पेंशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे हमारा देश की जनता के चेहरे पर खुशहाली रहे। एक ही नहीं, हर जगह का अलग कानून बना दिया जाए, जहाँ जैसा माहौल वहाँ कानून बना दिया जाए। तो कृपया करके न्यू पेंशन स्कीम को, अगर देश हित में नहीं है तो उसको बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया जाए, जिससे धरने की नौबत ही ना आए। ये धरना सरकारों के इस तरफ ध्यान ना देने की वजह से है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो इस पर हम फिर से निवेदन करेंगे कि BJP गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे के ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार बहाल कर दे। आइए जानते हैं पेंशन देने के मामले में हमारा भारत देश कितनी रैंकिंग पे है। 44 देशों में हमारा भारत देश 41वें पायदान पे है। सोचिए पेंशन के मामले हमारा भारत कितना पीछे है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इसको इम्प्रूव करके इसको अच्छे से अच्छा करना चाहिए, जिससे देश का भविष्य सुधर सके। दोस्तों, जो पुरानी पेंशन है, हर बुजुर्ग बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं रह जाता। यह पुरानी पेंशन है जो महीनों में आती है, उनको मिलती है। अगर ये भी नहीं रहेगी तो कोई उनका सेवा कार्य नहीं करता। जब पैसा होता तो इतनी लड़ाई झगड़े परिवार में होते रहते, तब तो सेवा होती नहीं। जब पेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो उनका जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। कृपया सरकार इसको समझे और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। न्यू पेंशन स्कीम में एक और खराबी है, जो 10% सरकारी कर्मचारियों से कटेगा और 14% के सरकार देगी। ये सब पैसा
जाके मतलब PFRDA शेयर मार्केट में लगा देगा। अब उसका कितना उनको मिलेगा ये पता नहीं है। जब वो रिटायर होंगे तो उसका एक 60% है, 60% एक मुस्त अमाउंट निकाल सकते हैं जो जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 40% वही PFRDA उसी शेयर मार्केट में पड़ा रहेगा, उसी के अनुसार वो मंथली पेंशन कर्मचारियों को देगा। उनके तहत ऑप्शन होते हैं, सो चॉइस कर सकते हैं। जो मंथली पेंशन आएगी वो एयरली उनको कितना मिली वो अमाउंट टैक्सेबल होगा, जो कि उनकी मेहनत का पैसा है, टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ये न्यू पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा उसमें पेचीदा है, ये बिल्कुल हमारे देश की भलाई के लिए नहीं है। इसको सरकार को बंद करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को समर्थन देते हैं और सरकार से पुनः निवेदन, इसको लागू किया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम को और नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। धन्यवाद मित्रों, इसको